ये है भाई मस्त रास्ते, तो रास्ते होने चाहिए ऐसे बिल्कुल। देहरादून ओनली 19 किलोमीटर और मसूरी 53 किलोमीटर 53। हिसाब और हिसाब रोकना नहीं चाहिए, टाइमली क्लियर कर देना चाहिए। आपका भी कोई हिसाब क्लियर नहीं हुआ क्या? मेरे केस लड़ने के तरीके तो जाके इंप्रेस सी, तनु की लड़ सी होता है बकवास करने के, डैडी जी तो लाद में कंपार्टमेंट आई सी, तेरे करके मेरा बार काउंसिल था लाइसेंस कैसे लगन होता बच्चे। भाई ये बारिश तो बहुत बड़ा खतरा है भाई अपनी गाड़ी के लिए। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे में लाइफ को एंजॉय करोगे जैसे हम आज एंजॉय करें पूल में। लेकिन ये एक लवे की हाइट का नहीं है, मेरी पद्दी बैठा हुआ और विराज कल इतना नहा लिया और कल गंगा मैया में भी पूरा नहा लिया है विराज, है ना। हाँ, वहाँ भी तेरे बाद में गया नहीं था पानी के अंदर, तो बस यहाँ आज तो वो बाहर बाहर से देख रहे हैं और हम अंदर एंजॉय कर रहे हैं। छोड़ना क्लब है इसको, छोड़ नहीं रहा मैं इसका, ऐसे ले रहा हूँ इसको, चलो ऐसे ऐसे इसकी ट्रेनिंग करता हूँ अंदर, है ना, लेके जाऊँ इसको ऐसे। बाय। तो जब टाइम आ गया हमारा होटल से चेकआउट का, हमारा चेकआउट हो गया है। पहले दिन हमारा प्राइस थोड़ा ज़्यादा था कि मैं ऑनलाइन बुक करके आया था, सेकंड दिन हमारा कोई डिस्काउंट उतना ही मिल गया। रेट्स ना बड़े फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी ऑनलाइन में सस्ता मिलता है कभी महंगा मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल भाई ने ना हमारा ऐसा काम कर दिया कि हमारे को जो पहले दिन का जो ज़्यादा प्राइस था ना वो चुभा नहीं। बाकी मैं भाई के नंबर और होटल का नाम तो आपको पता ही है, मुश्ताक लिखा ऋषिकेश, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई का नंबर तो आपका नंबर डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं पर्सनली, ठीक है पर्सनल नंबर डाल दूंगा भैया का अगर आपको आना ना आया। हाँ, इनका एला कार्ट में ना खाना बहुत अच्छा है, इनका रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, बुफे ठीक ठाक है, मैं ऐसे सामने बोल रहा हूँ बुफे ठीक ठाक है, पर एला कार्ट में बहुत अच्छा है, स्नैक्स बहुत अच्छे हैं, पनीर टिक्का भी अच्छा है, मलाई चाप भी अच्छी है, स्वीट कॉर्न भी खाया था ना वो भी अच्छा है। ये डोम है, अच्छा बंक बेड, नेक्स्ट टाइम एक लवर में आएंगे भाई और हम इनके डोम में रुकेंगे। हाँ। ठीक है, डन है, इसको भी लाना है जमूरे को, बस इसको टॉफी मिल गई। चलो जी अब बैठते हैं गाड़ी में, लगेज ऑलरेडी हमारे गाड़ी में जा चुका है, एक सिंगल बैग ही तो था, बाकी छोटे मोटे बैग्स थे। हाँ जी मैडम चलें, चलो जी ओके ओके। तो भी आज का सफर स्टार्ट करते हैं, 0 किलोमीटर गाड़ी भी माइलेज दे रही है 11.8 लीटर पर 100 किलोमीटर। जस्ट गाड़ी को अभी हमने स्टार्ट किया है, ये धीरे धीरे मैं इसको ना अभी कम ले आऊंगा, कम तो आएगी नहीं वैसे ये, क्योंकि मैं गाड़ी को बहुत भगाने वाला हूँ। अब मेरी बारी है। वैसे ये ना इतनी मैं शब्द बोलना नहीं चाहता, बीवी होगी मेरी ये, प्यार करता हूँ मैं इससे, ठीक है प्यार करते हो आप मुझसे और मैं किसी और से करूँ, गाड़ी नहीं चलाई भाई इस बंदी ने एक मिनट के लिए भी, प्रॉपर ड्राइविंग सीट पे बैठी भी नहीं है ये। अब यहाँ से भाई लेफ्ट चला जाता है आपका राम झूला की तरफ, एंड अब हम ये ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे भाई बाईपास, ये हरियाणा पंजाब की तरफ लिख रखा है, दिल्ली सहारनपुर हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश हैरी। विराज को तो टाटा दिख जाती है ना, इसका दिन बन जाता है ना विराज, टाटा करता है, मजेदार मौसम है नी, आते हुए भी औसम था और अब जाते हुए भी औसम है। अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो भाई है मुझे एक और अलग डेस्टिनेशन ले जाने की, विराज एक लवे की एक नई फरमाइश आई है, जो वहाँ पे पहुँच जाएंगे ना तब आपको बताऊंगा, उसके लिए मुझे रूट को पूरा चेंज करना पड़ रहा है, बिल्कुल रूट प्लान ही चेंज हो गया, किस तरफ जाना था और अब किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो चीज मेरे मुंह से ही सुन ली है। योग नगरी वेलकम्स नहीं कर रही, योग नगरी कर रही है अब तुम जाओ, तुमने योग वोग तो किया नहीं मेरे पास यहाँ रह के, बाकी जो जून को आते ना फिर करते। अच्छा बाकी दिन योग ही ना करो, नो अपने विराज इधर है, नो बोले दीवार पे पेंटिंग देखी अच्छी लग रही है, पत्थर है ना, पत्थर नहीं खेरी वॉल बना रखी है, ब्रिक वॉल, ओए होए होए पहाड़ों पे ऐसा रास्ता, क्या बात है मजेदार, इधर कर लो भाई जगह मिलने पे ओवरटेक करना चाहिए, मैं खुद रूल ब्रेक करने जा रहा था, वैसे जहाँ कट 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 वाली पट्टी होती है उसी पे भाई हम ओवरटेक कर सकते हैं, जब ये वाइट आ गया ना तो हमारे को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, आगे लाइन लगी हुई है लाइन में ही खड़े रहो, चालाकी मत करो आगे निकालने की, है ना विराज। हाँ जब तो हाँ बोला, तो पूजा पोपट ला लेना जी, ले लिया राइट टर्न, देहरादून 42 मसूरी 76 पोंटा साहिब 94 किलोमीटर है भाई, इसने हमारा पूरा साथ दिया, जब भी हम गाड़ी के अंदर चले हैं तो बारिश पूरी आई है, है ना, और गाड़ी से उतरते ही बारिश बंद हो जाती है, इतना तो साथ देती है हमारी। वैसे भी हमारे साथ साथ चल रही है चंद्रभागा नदी चल रही है, अरे चंद्रभागा तो सूखी पड़ी है, इसके तो भाग ही उजड़ गए, ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है, बस घास 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 सिर्फ और कुछ नहीं है भाई,
अब क्या दिखाऊं बताओ, बता ही दिया, मैं ही देख रहा हूँ ऐसे तो मुझे दिखाने का मन नहीं कर रहा। बाकी ग्रीनरी पूरी है भाई, मस्त मजे वाले रोड आ गए हैं। अब देखते हैं अपना हाईवे आगे का कैसा रहेगा। योग नगरी नगर निगम ऋषिकेश में पधारने का आपका हार्दिक धन्यवाद, ये लिखा हुआ है भाई आगे वाले बोर्ड में, मैंने आपको पहले से ही बता दिया। थोड़ी ही देर में देहरादून में UK 07 में हम अब एग्जिट ले रहे हैं UK 08 से। ये है भाई मस्त रास्ते, तो रास्ते होने चाहिए ऐसे बिल्कुल फॉरेस्ट वाली फीलिंग। वैसे चल भी हम फॉरेस्ट एरिया में ही रहे हैं, दोनों साइड पेड़, बीच में ऐसे सड़क, हाईवे भले ऐसे टू लेन हो कोई दिक्कत नहीं है, आप मंदी मंदी गाड़ी चला लो यार, नेचर को एंजॉय करते हुए चलो। और पूरी ना मेरे को जिम कॉर्बेट वाली फीलिंग आ रही है यार, हमारे को तो जिम कॉर्बेट गए भी बहुत दिन हो गए है ना, अब नाम नहीं लूंगा मैं नाम ले लेता हूँ, मैं मूर्ख हूँ यार। हाँ नहीं हम नहीं जाएंगे, बस छुट्टियां खत्म होगी अब बस घूम लो एक दो दिन और फिर अपने घर में सड़क लो। तो यहाँ से भाई रास्ता कट जाता है नई टिहरी चंबा नरेंद्र नगर का, और यहाँ से सीधा आप देहरादून चंडीगढ़ पोंटा साहिब मसूरी निकल जाओगे, इधर भी बस मसूरी से तो ना एक सीधी पहाड़ी ऊपर भी कनेक्ट करती है, मैं पहले आया था जब उसपे देखा उससे कनेक्टेड करती है पहाड़ी है। बाकी ये रास्ता भी अच्छा था, एक न्यू टिहरी भी हमारा रहता है भाई, टिहरी डैम जाएंगे, टिहरी डैम खैर इस टाइम तो ना थोड़ा सा वेदर नहीं, बारिश के बाद देखेंगे उसको, सर्दियों में देखेंगे टिहरी डैम को, बड़ा मजा आएगा अक्टूबर में ना, उस टाइम पे ज्यादा बेटर रहेगा। बनियावाला हम आ गए हैं एंड यहाँ से भाई देखो लेफ्ट जाओगे तो हरिद्वार एंड राइट जाओगे तो आप जाओगे देहरादून मसूरी की तरफ। देहरादून ओनली 19 किलोमीटर और मसूरी 53 किलोमीटर 53। और ये हाईवे है भाई नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 7 है भाई। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं सोंग रिवर, तो गाना गाओ भाई जिसको गाना पसंद है, सोंग रिवर क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी भाई देहरादून पहुंच गए थे और मेरे को यहाँ बर्गर किंग KFC दिखा, KFC तो नहीं खाएंगे हम मंगलवार का दिन है, तो बर्गर किंग पे मेरे को ऊपर यूं था मैकडी की कॉफी ज्यादा अच्छी लगती है, कोल्ड कॉफी, और मैडम भी पी लेगी, पर ड्राइव थ्रू नहीं था यार, और गाड़ी से उतर के जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरा ड्राइव थ्रू में मतलब गाड़ी में ही बैठा रहा और मैं चलते चलते मिल जाए जो भी चाहिए। भाई देहरादून में तो इतनी गर्मी थी भाई, 32 डिग्री टेम्परेचर हो रखा था और भाई इतनी गर्मी मतलब सूर्य देव तक ना बिल्कुल ऐसे गाड़ी के अंदर शीशों के अंदर घुसने को हो रहे थे, मतलब पूरा चुभा रहे थे भाई धूप अपनी, और बाहर निकलते वाह देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ मस्त मजे वाली बारिश हो रही है, अभी पोंटा साहिब रह गया हमारा मात्र 24-25 किलोमीटर रह गया, उसके बाद से हमारा रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा। तो यमुनोत्री 165, बड़कोट 120, चक्राता यहाँ से 70 है, चक्राता भी हमारा अच्छा स्टे था जब हम गए थे ना, बड़ी बढ़िया पुरानी सी प्रॉपर्टी, विंटेज टाइप की प्रॉपर्टी थी भाई वहाँ पे। बारिश से तो पूरा मजा सा भाग गया ना, जैसे बारिश भाई मतलब बनाया जाता मुझे ऋषि कपूर का नीला का जो वो जिप्सी में आ रहा होता है, मेरे आने से पहले जाने मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, बस भाई ऐसे ही आवाज है, इतनी तेज बारिश और हमारी मर्सिडीज को खतरा। मेरे को ना अपनी स्कॉर्पियन की बड़ी याद आ रही है, जैसे बारिश आ जाती है ना कहीं पे और ऊपर नीचे होना पड़ जाता है, जहाँ पानी हल्का सा भी दिखता है मेरे को वही धड़कने मेरी तेज हो जाती है, लेकिन भाई साहब स्कॉर्पियो के साथ साथ मैंने पूरा एसयूवी बना रखा है इसको, मर्सिडीज को भी पूरा खींच के ले रखा है मामला, ऐसी बात नहीं है पूरा साथ दे रही है यार। हाँ भाई तो दिन से पीछे निकले हुए ना पूरा मजा ले रहे हैं हम पूरा मर्सिडीज का, और मर्सिडीज ने भी एक बार भी यूं नहीं कहा कोई बात नहीं कि मैं सेडान हूँ तो मुझे एसयूवी तरह यूज कर ले कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पर मैं इधर उधर जाऊँ उतार देता हूँ वो नहीं कर सकता भाई इसके साथ, वो तो फिर ये कह देगी अच्छा ऐसे करेगा। भाई ये बारिश तो बहुत बड़ा खतरा है भाई अपनी गाड़ी के लिए, ऐसे कैसे होगा वाइपर भी भाई देखो पूरा स्पीड नहीं चल रहा, मतलब बिल्कुल ज्यादा ये तेज वाला चला ना इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं, दिखता तो इतने में, और इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है बस पूछो मत, पोंटा साहिब भी ज्यादा देर का रास्ता बचा ही नहीं है, मतलब 8-10 किलोमीटर ही है और जबरदस्त बारिश हो रही है भाई जबरदस्त, कहीं वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, वैसे तो पहाड़ी एरिया है ऊपर नीचे होती रहती है सड़कें तो पानी इकट्ठा होता नहीं है पहाड़ी रास्ते में, बस प्लेन होता तो उसमें अलग बात है शहर वहर में इकट्ठा होता है, बाकी आगे भाई जाम लगा हुआ है इस बात का ये देखते हैं। बारिश तो रुक गया, बारिश के बाद जब ये खड्डों में पानी भरा होता ना यहाँ पे होती है असली परीक्षा एक सेडान गाड़ी की, या यूं कहें जिस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, पर हमारी गाड़ी ने ये परीक्षा अच्छे से पास कर ली अभी तो।
मेरे को लगता है मेरे को तो हैरी दोबारा लेनी पड़ेगी। विराज कहाँ है ऑरेंज हैरी? ये कौन सी गाड़ी है? ऑरेंज कौन सी? ऑरेंज हैरी। कैमरा बंद होता है ना पूरा क्लियर बताएगा सारी चीजें। पापा ऑरेंज हैरी जा रही है, हमारे लिए इतना बढ़िया हाईवे बना रखा है और ऊपर जो ये जा रहा है ना भाई ब्रिज, ये कनेक्टिंग कर रखा है भाई अपना, मतलब कौन सा जंगल के रास्ते को, इधर से उधर वन्य प्राणी आते जाते हैं ना तो भाई उनके लिए कनेक्टिंग कर रखा है ये भी, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है भाई। मौसम ना अब थोड़ा भाई, बारिश जस्ट अभी 2 मिनट पहले रुकी है और आज फिर और बारिश है, तो मैं 2 मिनट यहाँ रुक के थोड़ा सुसु ब्रेक ले लिया जाए, जरूरी था भाई, तो मुझे गॉल ब्लैडर फट जाएगा। और कहते ना हिसाब और हिसाब, रोकना नहीं चाहिए, टाइमली क्लियर कर देना चाहिए। आपका भी कोई हिसाब क्लियर नहीं हुआ है क्या? कर लो भाई जिसके साथ भी पेंडिंग है। की गाड़ी अपनी फुल मजे दे रही है भाई, फुल मजे आ रहे हैं। ओ भाई साहब सनरूफ से बाहर आ गए दोनों लोंडे, हैं मजा आ रहा है, चिप्स भी खा रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। दोनों भाई ने सेम टी शर्ट पहन रखी है लगभग ये दोनों ना, हम ऐसे करते हैं इन दोनों को ना सेम टी शर्ट ही पहनाते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो। अच्छा दिखा दिखा के खा रहा है पापा को है? अच्छा हाँ बता भी रहा है कि मैं दिखा दिखा के खा रहा हूँ, पूछेगा नहीं ये लड़का, बिल्कुल चंट है चंट। और गाड़ी चलते भाई, दोनों बच्चों कर दिया मैंने गाड़ी के अंदर, बस 5 की स्पीड तक आप हल्का 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 थोड़ा सा इनको दिखा दो, बस उतने में हैप्पी हो जाओ, और उसके बाद अंदर आना थोड़ी सी भगा दो। विराज तो अपना कहता पापा मैं जा रहा अंदर, कर दो इसको बंद अपना करके, बस कर दो। कह रहा था ना 2 मिनट का ही मतलब हाल्ट मिलेगा बस सुसु करने का, उसके बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। भाई इस रास्ते में चलाने में क्या मजा आ रहा है, क्या कॉर्निंग कर रहा हूँ भाई, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं इस टाइम ना नॉर्मली, मतलब अगर मैं अपनी स्कॉर्पियो में इस रास्ते पे ना कई बार गया हूँ, नाहन वाला रास्ता है, मैं ऐसे ऐसे रास्ते पे ना 50-60 की स्पीड पे होता कॉर्निंग में, और भाई मर्सिडीज में ना मैं 80-90 की स्पीड पे हूँ, ये देख लो भाई अभी मैंने थोड़ी सी कम हुई है कॉर्निंग के टाइम पे, थोड़ा फोन भी है मेरे पास तो इसी वजह से, नहीं तो भाई साहब क्या मस्त मजा आ रहा है, और हाईवे इतना बढ़िया है और स्वाद ही स्वाद आ रहा है यार, और क्या व्यू है क्या नजारे है साइड में, ओए हो इतना बढ़िया वेदर, बस यहाँ तो कोई पार्टी ही हो जाए हैं बारिश के टाइम पे। अभी हमें भाई NH-44 पे और हम मजे ले रहे हैं भाई कैरी ऑन जट्टा 2 के जो कॉमेडी सीन्स है ना उनके, वैसे पूरी मूवी तो गाड़ी में देखी जाएगी, चलते चलते मतलब मैं तो सुन रहा हूँ भाई बच्चे अपना मजे ले रहे हैं गाड़ी में, इकला भाई यहाँ बैठा है एंड वो माँ बेटा बैठा है पीछे और हम पूरे फुल मजे ले रहे हैं। अभी आपने क्लिप्स देखी हुई भाई, हमने चला रखा है तो इसका बड़ा फायदा हो जाता है बच्चों के साथ है इकला भैया है नी चीज के लिए। स्कॉर्पियो के अंदर हमने एंड्रॉइड बॉक्स लगा रखा है और इसमें तो अपना डायरेक्ट चल ही जाता है, तो ये फुल मजे आते हैं ड्राइविंग के टाइम पे बच्चों के, मेरे नहीं ड्राइवर को यहाँ देखेगा तो वहाँ कोई और ही देखेगा और कहीं और ही दिखोगे फिर। बाकी कैरी ऑन जट्टा 3 भी रिलीज हो गया भाई, फटाफट जाके देख लो, नहीं देखी तो मैं तो कल देखने जा रहा हूँ। मेरे केस लड़न के तरीके तो जज इंप्रेस सी, तनु की लोड़ सी उधर बकवास करन दी कि डैडी दी तो लाड विच कंपार्टमेंट आई सी, तेरे करके मेरा बाहर कौंसल दा लाइसेंस कैसे लगन जाता बच्चे। तो भाई घूमते फिरते छोटी सी अपनी जो ट्रिप थी भाई अपनी मर्सिडीज के अंदर भाई वो हो गई हमारी कंप्लीट, हम पहुंच गए अपने घर। बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी, ऑलमोस्ट अराउंड 985 किलोमीटर, मान लो अराउंड आप एक मान लो कि 1000 किलोमीटर हम चल के आए इस गाड़ी में। सफर बहुत अच्छा था हमारा, कहीं पे भी मेरे को ये नहीं हुआ कि गाड़ी कहीं रुक जाएगी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये था कि यार पानी वानी से बचा के रखना मेरे को अपनी गाड़ी से, नहीं तो भाई वहीं पे टिंच हो जाती गाड़ी, जैसे मैं बोल रहा था ना पहले वीडियो में कि गाड़ी या तो फिर दाएं बाएं जाएगी या फिर सीधा फ्लैट बेड पे आएगी, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई। अपनी मर्सिडीज ने भाई पूरा भरपूर साथ निभाया, इसका V6 इंजन भाई जबरदस्त रोल करता है
और उस जबरदस्त रोर के लिए ना आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसके हम मॉडिफिकेशन उसमें चेंज कराएंगे। और कई भाई तो भाई मतलब हैरानी मानी कि विक्रम भाई V6 से आप 11 के माइलेज निकाल रहे हो, तो भाई इसकी ना 2-3 तरह की माइलेज है। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं तो ये देती है 6-7 की माइलेज देती है। अगर आप इसको हाईवे पे चलाते हो 100 के अराउंड, तो हाँ मैंने 100 पे क्रूज लगाया था, तो तब आपको माइलेज देगी 11 की 12 की, वो बढ़ सकती है अगर आपका सफर और लंबा होगा। जैसे अभी वापसी में आते हुए मैंने KMP पे क्रूज लगाया था 90 का, तो वहां पे इसने मेरे को बहुत बढ़िया मैक्सिमम माइलेज दी थी, अराउंड 12-13 थी, लेकिन ओवरऑल जो आज की मेरी माइलेज थी वो 11 रही। और अगर आप पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में इसने वही 9 की 10 की 8 और 10 के बीच की रही थी पहाड़ों वाले, जिनके हिसाब से और मेरे हिसाब से दोनों के हिसाब से वो माइलेज परफेक्ट है भाई। 10,500 का था पेट्रोल पीगी इतने में, तो भाई 10 रुपए किलोमीटर पड़ती है, ये सीधी बात है, 10 रुपए 11 रुपए किलोमीटर पड़ती है। कि लॉन्ग ट्रिप्स के लिए तो यार नहीं ले जा सकती, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप्स में ना लगेज इतना ज्यादा हो जाता है, ये तो जब जा सकती है, कभी जयपुर जाना हो, कभी हाईवे तो हाईवे वाला रहना ना, उसके लिए परफेक्ट है बस। हाँ बाकी पहाड़ों में हम ले गए थे, ठीक रही बारिश, पूरी मूसलाधार जरूर मिली अपने को, लेकिन अपन बचे रहे, अपना सफर पूरा बढ़िया रहा और अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल टेंशन रही, बढ़िया वाली रही। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि छुट्टियां हो गई अब ओवर, अब रहेगा सिर्फ गाड़ी एंड गाड़ी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट।